नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्रीकर्णी कॉमर्स क्लासेस में। दोस्तों चलते हैं 25 से 27 मई 2020 के मध्य जो करंट अफेयर्स की बात हुई उसकी तरफ, यानी करंट अफेयर्स की बात पुखराज शर्मा के साथ के इस शो में। दोस्तों जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं, हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और साथ में MSME मिनिस्टर नितिन जी गडकरी, जी हाँ, चंबा टनल का इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उद्घाटन कर दिया है। यानी चार धाम यात्रा की इस टनल के बारे में हम डिटेल से जानकारी लेंगे दोस्तों। उसके बाद ताइवान चलेंगे और ताइवान के अंदर TSAI इंगविन वापस चुनी गई है सेकंड टाइम प्रेसिडेंट। और उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड हॉर्टिकल्चर इन बिहार, इनके बीच में एक टाई अप हुआ, यानी ज्वाइंट हैंड टू सप्लाई द शाही लीची एंड द जडालू मैंगो फॉर डोर टू डोर टू हिज कंज्यूमर। तो उसके जो कंज्यूमर है उसके लिए फ्री होम डिलीवरी के लिए एक डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड हॉर्टिकल्चर इन बिहार के मध्य जो एक MOU हुआ है उसको हम देखेंगे। दोनों GI टैग के जो इन प्रोडक्ट जैसे शाही लीची और जरदालू आम का जो है दर्जा दिया गया है, जो कि भागलपुर के काफ़ी फेमस है, इसको हम देखेंगे दोस्तों। और उसके बाद सबसे बड़ी कंपनी ITC, जी हाँ, इंडियन टोबैको कंपनी ने सनराइज फूड को 100% पार्टनरशिप एक्वायर कर ली है। और 25 मई के दिन विश्व स्तर के ऊपर जो थायराइड डे मनाया गया था इसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद एक बुक जो लॉन्च हुई है ऑनलाइन बच्चों के लिए, JK रॉलिंग, जी हाँ, सब जने जानते इस लेखिका को, JK रॉलिंग, हैरी पॉटर जो उसकी ऑथर है JK रॉलिंग, और उन्होंने बच्चों के लिए था इकाक बुक नाम का एक फ्री ऑनलाइन बुक लॉकडाउन को देखते हुए बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए लॉन्च करा है, इसको हम डिटेल से लेंगे। तो चलते हैं दोस्तों स्टार्टिंग से, और सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ कॉम्पिटिशन की तरफ, यानी चेहरा पहचानो प्रतियोगिता। हमारी पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको ये चेहरा दिखा के बोला था कि आप है इंडियन फॉरेन मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। जी हाँ, हमने आपसे पूछा था आप किस पोस्ट के ऊपर है, तो आप इंडियन फॉरेन मिनिस्टर है सुब्रमण्यम जयशंकर सर, जिनको हम शॉर्ट में एस जयशंकर सर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद चलते हैं दोस्तों आज की पहली रिपोर्ट, पहली करंट अफेयर्स की तरफ। जैसा कि आपको BRO के जो है वो कर्मचारी नजर आ रहे हैं, और इन्होंने चंबा टनल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान नितिन जी गडकरी सर भी नजर आ रहे हैं, और ये हरी झंडी देके आखिरकार इस चार धाम प्रोजेक्ट को इनोग्रेट 3 महीने पहले कर दिया गया। जी हाँ, मैं आपको लेकर चलता हूँ यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे एंड MSME, जिसे हम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कहते हैं, नितिन जी गडकरी ने इनोग्रेट करी है 440 मीटर लंबी एक सुरंग को, जिससे चार धाम परियोजना के अंदर किया गया चंबा के अंदर। जी हाँ, चार धाम प्रोजेक्ट जिसे हम गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ और बद्रीनाथ के नाम से जानते हैं, 440 मीटर लंबी ये सुरंग लगभग बन के तैयार हो गई है, जो कि चंबा टाउन ऋषिकेश दरासू रोड हाईवे NH-94 के ऊपर स्थित है उत्तराखंड में। और कहते हैं दोस्तों इसके ऊपर जो 12,000 करोड़ रुपए लगभग खर्च हुए हैं, 889 किलोमीटर की ये हाईवे कंस्ट्रक्शन BRO के द्वारा किया गया, जिसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये प्रोजेक्ट अपने समय के 3 महीने पहले ही लगभग बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसकी समय सीमा जनवरी 2021 की गई थी, परंतु ये अक्टूबर 2020 तक बन के तैयार हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, उनके बारे में जानना जरूरी है दोस्तों, वो है मिस्टर VK सिंह। यानी नितिन जी गडकरी तो है कैबिनेट मिनिस्ट्री में, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के अंदर जो है रोड एंड ट्रांसपोर्ट के अंदर वो VK सिंह सर है। और यहाँ पे आपको उत्तराखंड के बारे में जानना जरूरी है दोस्तों, उत्तराखंड की दो राजधानी है विंटर और समर। विंटर के रूप में देहरादून है, और समर के रूप में दोस्तों गैरसैन है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गैरसैन। उसके बाद यहाँ के जो गवर्नर है वो बेबी रानी मौर्य है, और वर्तमान में यहाँ के CM त्रिवेंद्र सिंह रावत सर है। स्टेट फ्लावर यहाँ का ब्रह्मा कमल है, स्टेट फ्रूट यहाँ पे कम्फाल है। BRO जिसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं दोस्तों, वर्तमान में यहाँ DG के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह है, और BRO का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय खबर की तरफ, ताइवान की तरफ। ताइवान जिसकी राजधानी ताइपे है, वहाँ पे प्रेसिडेंट के रूप में TSAI इंगविन इन्होंने अपना सेकेंड टर्म स्टार्ट कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे महिला राष्ट्रपति है TSAI इंगविन, और ताइवान की राजधानी ताइपे है, जहाँ पे न्यू ताइवान डॉलर नाम की करेंसी चलती है, और लाइम चिंगते यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है। दोस्तों ताइवान ताइपे कई बार आपसे पूछा जाता है, क्योंकि हमारे फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने नारा दिया था तुम मुझे कूदो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इनकी रहस्य में जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई थी दोस्तों वो ताइवान ताइपे में ही हुई थी। उसके बाद चलते हैं दोस्तों नाइजर में, हमारे भारत के नए एम्बेसडर के रूप में PK नायर सर को चुना गया है, और इन्होंने रिप्लेस करा दोस्तों राजेश जी अग्रवाल को। हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, PK पिक्चर आपको नज़र आ रही होगी,
और पीके पिक्चर जो कि हमने देखी थी आमिर खान और अनुष्का जी की, तो पीके पिक्चर आपको नज़र आ रही होगी या उसका नाम ही काफ़ी है। तो देखिएगा इस मेरी ट्रिक से आपको सब नज़र आ गया, यानी पीके नायर जो है वो पीके को रेफर कर रहे हैं, नज़र से बन जाएगा नाइजर और नाम से हो जाएगा नियामे, यानी नाइजर की राजधानी नियामे है जहाँ पे पीके नायर भारतीय एम्बेसडर चुने गए। उन्होंने राजेश अग्रवाल को रिप्लेस कराया। यहाँ पे वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक नाम की करेंसी चलती है और प्रेसिडेंट ऑफ नाइजर जो वर्तमान में है वो है दोस्तों मोमदाउ इसाफाउ, मोमदाउ इसाफाउ। उसके बाद चलते हैं दोस्तों बैंकिंग एंड फाइनेंस की तरफ और ITC जिसे हम इंडियन टोबैको कंपनी के नाम से जानते हैं, उन्होंने 100% इक्विटी जो है वो एक्वायर कर ली है सनराइज फूड प्राइवेट लिमिटेड की। दोनों वेस्ट बंगाल कलकत्ता बेस्ड कंपनियां हैं दोस्तों और ITC ने इस FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जिसे हम सनराइज फूड प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानते हैं इसकी 100% पार्टनरशिप खरीद ली है। ये 1902 की कंपनी थी दोस्तों सनराइज फूड प्राइवेट लिमिटेड, और इसको ITC ने खरीद लिया जो कि कलकत्ता में दोनों का हेडक्वार्टर है। आपके लिए बताना चाहता हूँ 1910 में इंपीरियल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से ITC बनी थी, परंतु बाद में इसका रीनेम इंडियन टोबैको कंपनी कर दिया गया था। 1970 में इसका नाम ITC हो गया और 1974 से इसने अपना कार्यकाल स्टार्ट कर लिया, जिसका वर्तमान में हेडक्वार्टर कलकत्ता वेस्ट बंगाल में है और इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अभी संजीव पुरी है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों एक किताब की तरफ। जी हाँ, लॉकडाउन पैंडेमिक डिजीज कोविड के चक्कर में पैंडेमिक है और ये लॉकडाउन है, और इस लॉकडाउन के अंदर बच्चे काफ़ी बोरिंग फील कर रहे थे और आखिरकार उनको एक एंटरटेनमेंट किताब की ज़रूरत थी और उनकी इन आशा का पूर्ण कराया जेके रोलिंग ने। जी हाँ, जानी मानी ऑथर हैरी पॉटर की जेके रोलिंग ने अनाउंस करी एक न्यू स्टोरी जिसका नाम दिया गया द इकाक बुक, और ये इंटरटेनमेंट जो है किताब चिल्ड्रंस के लिए कोरोना वायरस लॉकडाउन के अंदर रिलीज की गई है जेके रोलिंग के द्वारा, जो कि ऑनलाइन फ्री है, इसको आप जाके वहाँ रीडिंग कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, इंडिया पोस्ट एंड बिहार हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने आपस में एक पार्टनरशिप करी है और ये पार्टनरशिप डोर टू डोर दो बड़े मानवीय GI टैग प्राप्त फ्रूट के लिए करी है ताकि डोर स्टेप तक ये पहुंचाया जाए, और ये है बिहार की शाही लीची और भागलपुर बिहार के GI प्राप्त जदालू आम। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं इन दोनों का सीजन है और COVID-19 के चक्कर में लॉकडाउन है, इस चक्कर में उपभोक्ता तक ये वस्तु नहीं पहुंच रही है, और आखिरकार बागवानी डिपार्टमेंट बिहार और इंडिया पोस्ट ने आपस में टाई अप करके अपने उपभोक्ता तक शाही लीची और जदालू आम पहुंचने के लिए पहल करी है, जो कि वास्तव में एक विश्वसनीय काम है। यहाँ पे आपको GI टैग जो देता है वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट देता है। GI की फुल फॉर्म होती है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, और इसकी पंचलाइन जो होती है वो होती है दोस्तों अतुल्य भारत की अमूल्य निधि या इनवैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। उसके बाद चलते हैं दोस्तों दो बड़े डे की तरफ जो 25 मई के दिन मनाए गए थे, एक वर्ल्ड थायराइड डे और दूसरा है दोस्तों आपका मिसिंग चिल्ड्रन डे। जी हाँ, मिसिंग चिल्ड्रन डे और वर्ल्ड थायराइड डे दोनों 25 मई के दिन मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे भी 25 मई के दिन है और वर्ल्ड थायराइड डे भी कब मनाया जाता है दोस्तों 25 मई के दिन। उसके बाद आज का प्रश्न, चेहरा पहचानो प्रतियोगिता, आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर एक जाने माने सुप्रीम कोर्ट के पहले ICJ यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI जिसे हम कह सकते हैं शॉर्ट में, तो पहले CJI नज़र आ रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आपको इनका नाम कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, और इसके सही आंसर के लिए आपको लगातार बने रहना है हमारे करंट अफेयर्स के साथ। और इसी तरह से जो ये मैं आपको चेहरा दिखाता हूँ दोस्तों, ये प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं, तो आप इनके ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिए क्योंकि आपकी स्टैटिक GK में काफ़ी काम में आएंगे। तब तक के लिए बुखरा शर्मा को इजाज़त दीजिएगा दोस्तों।